मंत्री जी है वो मुझे यहाँ लेकर आए थे। मैं मुंबई में वहां रहने वाली थी, आप सबको मालूम है, उनको भी मालूम है। क्या उनको उस वक्त पता नहीं है कि मैं मुंबई में रहने वाली हूं? क्या उनको मालूम नहीं है कि मैं सिनेमा में काम करने वाली हूं? क्या वो आप सब जो मैंने फिल्मों में काम किया उन फिल्मों का आप सब नहीं देखते हैं? उनको भी मैं पूछना चाहती हूं, क्या मेरी फिल्मों में आपने नहीं देखा? देखा है, इसीलिए मुझे मुंबई से लेकर आया है। क्या आपको पता नहीं है मैं नाचने वाली हूं? क्या आपको पता है कि मैं हमेशा जब आप लेकर आए और आपने कहा कि इस रामपुर धरती के लिए मुझे परिचय किया था, तो उस दिन क्या हुआ? आज आपको जयप्रदा, आज मैं आपको भाई भाई कहते हुए एक राखी के आपने उसके राखी का जो महत्व है आप पहचान नहीं पाया है। भाई होकर एक बहन को आपने नाचने वाले कहा है, भाई होकर आपने मुझे पंजाब कहा है, भाई होकर आपने मुझे कितना बद शब्द आपने कहा है ये मुझे पता है। फिर भी मैंने आपके बीच में आगे 2009 में काम किया है। अगर मैं कभी भी आप बोलिए मैंने कभी ऐसे कोई गुनाह किया है तो आप बताइए, आप मुझे सजा दीजिए। लेकिन मुझे मालूम है मैंने ऐसे कोई नहीं गुनाह नहीं किया है, बल्कि मैं आपके विकास के लिए मैं कितने जुल्म सहा है यह आप सबको मालूम है। आज मैं अत्याचार के खिलाफ में लड़ने आई हूं, आज मैं भी जिद्दी हूं। वो जयप्रदा नहीं है जो रोते रोते आपके लिए काम करती थी। यहाँ पे मैं निर्वाचित सांसद होने के बाद भी मैं यहाँ रहने का मेरे को कोई हक नहीं है। मुझे मुरादाबाद जाना होता है, क्यों? मैं निर्वाचित सांसद होने के बाद भी वहां दिन हमारे रात में वहां पे मुझे सोना होता है और यहाँ आके मुझे आपसे आप सबको सेवा करना होता है। मैं बहुत लगा रही थी, एक बार भी कोई मुझे सुनने के लिए तैयार नहीं था। मैं रामपुर नहीं छोड़ना चाहती थी, रामपुर इसलिए नहीं छोड़ना चाहती थी जिसके ऊपर इतना गरीब लोगों के लिए दबंग होते थे, गरीब लोगों को बात नहीं करने देते थे। कोई अच्छा काम करना हो उनके खिलाफ अगर काम किया हो उनको जेल में भरवा देते थे। ये बात सही है कि नहीं है बताएंगे? मैं रामपुर इसलिए छोड़ गई, सक्रिय पॉलिटिक्स में इसीलिए नहीं आई क्योंकि मुझे उस दिन तेजाब में मुझे अटैक करने के लिए सोचा था, मेरे ऊपर हमला किया था एक औरत होकर। रक्षा हो उस पार्टी में मैं प्रतिनिधित्व में बनाने के लिए
आपके बीच में मैं चुनाव लड़ने के लिए आई हूं, उस पार्टी ने मुझे रक्षा है। और वो बहादुर नेता जो प्रधानमंत्री हमारे नेता आदरणीय मोदी जी महिलाओं को सम्मान करते हुए सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं इस देश को रक्षा करने के लिए वो उन्होंने कभी पीछा नहीं छोड़ा है। इसलिए मैं इस पार्टी में हूं, मैं वही जयप्रदा हूं, आप सबको सेवा करने के लिए आई हूं, लेकिन मैं वो जयप्रदा डरने वाली नहीं हूं। आज मैं बहादुर हूं, आज मैं आपके साथ एक नेता के रूप में नहीं बल्कि सेविका रूप में आपके बीच में आई हूं। और उम्मीद करती हूं हमारे रामपुर में सभी रामपुर के जिले से सारे लोग इकट्ठा होकर यहां पे मौजूद हैं, उन सबको मैं नमन करती हूं, प्रणाम करती हूं। मैं महिला हूं लेकिन वो महिला नहीं हूं, आज मैं मोदी जी के नेतृत्व में काम करने वाली एक बहादुर महिला हूं। जैसा नेता होता है वैसे प्रजा होते हैं। अब मैं आप देखो समाजवादी पार्टी में थी मैं, लेकिन अखिलेश ने मुझे कोई सहायता नहीं दिया था, कोई सपोर्ट नहीं दिया था। अब जो है मायावती जी के साथ गठबंधन किया था, मुझे मायावती जी के ऊपर तरस आती है क्योंकि मायावती जी गद्दार नेता, लेकिन मोदी जी को रोकने के लिए अखिलेश के साथ जुड़ना पड़ा, इस बात में कोई मान्यता नहीं है। आज घर घर जाओ, आज बच्चे बच्चे से पूछो तो सबकी आवाज है मोदी मोदी मोदी। और यह भी मैं बताऊं कि बच्चे बच्चे से पूछो आज जयप्रदा को गले लगा के इतना प्यार क्यों कर रहे हैं। आज जयप्रदा मोदी जी के लिए लड़ रही है, वो मोदी जी हमारे नेतृत्व में आने वाले दिनों में